स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गढ़ में नमो नमो। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है इसी बुलेटिन में, जहां आज रायपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे, विजय जनसंकल्प सभा, विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे से पहले झमाझम बारिश हुई है छत्तीसगढ़ में, सभा स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। आम सभा के लिए 3 वाटरप्रूफ ड्रोन बनाए गए हैं, देख सकते हैं आप IN24/7 में। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन पहुंच चुका है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन पहुंच चुका है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन पहुंच चुका है, देख सकते हैं IN24/7 में। सबसे पहले नरेंद्र मोदी रायपुर की धरती पर पहुंच चुके हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑन IN24/7। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं रायपुर, उनका प्लेन एयरपोर्ट में पहुंच गया है। मौसम में नमी है जिसके कारण तस्वीरें साफ नहीं दिखाई दे रही, जाहिर सी बात है प्लेन एयरपोर्ट में हवाई पट्टी में दूर खड़ा है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं राजधानी रायपुर। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन पहुंच चुका है, देख सकते हैं सुरक्षा कमांडोज SBG कमांडोज उतर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा स्थल पूरे रूट तमाम तरह की सुरक्षाओं का जायजा लेंगे ये, और फिर उसके बाद रूट क्लियर होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षित जहां जहां भी उनके इवेंट्स है उन्हें ले जाया जाएगा। रायपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, 4 केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी समर में कूदने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज 4 मंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की लॉबी मौजूद रहेगी और सीएम भूपेश बघेल के साथ भी प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम आज पल पल IN24/7 आपको दिखाएगा। और हमारे सहयोगी सीधा एयरपोर्ट में रुक करेंगे हम, मनोज नायक का हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं, क्या स्थिति है? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्धारित कार्यक्रम से करीब 25 मिनट पहले आ चुके हैं और आप देख सकते हैं रायपुर एयरपोर्ट पर जो है उनका विमान भी लैंड हो चुका है और साथ ही साथ जो है वे यहां से सीधे हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। हेलीकॉप्टर भी रेडी है और अब से कुछ देर बाद जो है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविशंकर विश्वविद्यालय स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री भी आए हुए हैं उनके भी उतरने का क्रम जारी है। एयरपोर्ट पर जो है भाजपा के तमाम सांसद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, वहीं प्रशासन की ओर से चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन और रायपुर कलेक्टर SP भी जो है प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए पहुंचे हैं और अब से कुछ देर बाद जो है तुरंत जो है प्रधानमंत्री हवाई मार्ग से ही रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। वहां पर जो है वे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद जो है भाजपा की एक बड़ी जनसभा है, विजय संकल्प महारैली जिसका नाम रखा गया है, वे इसमें हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो है चार्ज करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7,500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को देंगे, जिसमें दो प्रमुख हाईवे की जो लाइन है रायपुर से कोड़ेबोड़ मार्ग है, इसके अलावा जो है बिलासपुर में जो है बिलासपुर पूंजी पथरा मार्ग है इसका लोकार्पण करेंगे, एवं इसके अलावा जो है विभिन्न जो हाईवे 6 लेन की जो हाईवे है उसके निर्माण कार्यों का जो बिल्कुल मनोज, तो कहीं ना कहीं 25 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। मनोज, अब दर्शकों को बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से कैसे जाएगा, किस रूट से जाएगा, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वो कब एक साथ होंगे और क्या क्या रूपरेखा इस संदर्भ में पहले दर्शकों को बताएं।
जी देखिए, पहले से ही प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम तय थे, सारे रोड मैप और रूट चार्ट सारे पहले से ही तय कर लिए गए थे। प्रधानमंत्री रायपुर एयरपोर्ट से सीधे हवाई मार्ग से ही रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। वे हेलीकॉप्टर से यहां से रवाना होंगे और उनके साथ जो है केंद्रीय मंत्री जाएंगे, साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, वे सभी जो है कार्यक्रम स्थल जो है शासकीय विकास कार्यों का लोकार्पण होना है वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और रायपुर एयरपोर्ट पर जो है प्रशासनिक मुखिया अमिताभ जैन के साथ भाजपा के तमाम सांसद हैं, वे प्रधानमंत्री की अगवानी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर खड़ा है और नीचे जो है प्रधानमंत्री के स्वागत का क्रम लगातार जारी है। और अब से कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होंगे और इसके बाद जो है सीधे सबसे पहले जो है विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रहेंगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहेंगे, इसके अलावा जो है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी रहेंगे, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मनोज, एक चीज और जानना चाहूंगा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंच, प्रधानमंत्री उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, -24/7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। अभी अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन से उतर चुके हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं आप उतरते हुए रायपुर की धरती में, छत्तीसगढ़ की धरती में उन्होंने कदम रख दिया। और अब इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से सीधा, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया, रविशंकर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे जहां मुख्यमंत्री के साथ वो मंच साझा करेंगे, केंद्रीय योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, जन सौगात दी जाएंगी। इसके बाद देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरते हुए, सबसे पहले रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं। INS 24/7 के कैमरे में आप देख सकते हैं सफेद कुर्ते में, नीली नेहरू जैकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हुए दिखाई दिया। मनोज, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगा। मनोज, अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए तो कितनी देर ये एक साथ रहेंगे, किस कार्यक्रम में एक साथ शिरकत करेंगे और फिर ये सेपरेट हो जाएंगे? जी देखिए, करीब ये 40 से 50 मिनट का कार्यक्रम है जो कि विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, वे हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे, वहीं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और काफी समय के बाद जो है ये मान के चले कि छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। बिल्कुल मनोज, और वाकई देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी होती है, क्या इसमें विकास कार्यों की घोषणाएं की जाती हैं, क्या प्रधानमंत्री बोलते हैं, क्या मुख्यमंत्री बोलते हैं। और अब हेलीकॉप्टर की तरफ, चॉपर की तरफ बढ़ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। INS 24/7 के कैमरे में आप देख सकते हैं सबसे पहले चॉपर की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और इसी चॉपर में, जो चॉपर आपको दिखाई दे रही है, इसी चॉपर में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा उड़ते हुए रविशंकर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे जहां शासकीय योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे वहां। ये दिलचस्प और अहम वाकया होगा देखने के लिए, और इसको देखने के लिए आप INS 24/7 को